हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। उससे पहले आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और बाद में मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो रैशनल नंबर को डेसिमल में कैसे लिखते है ये यहाँ पे हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, 7/4 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब जिसका फॉर्म P अपॉन Q फॉर्म में होता है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, एंड दोनों नंबर इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर है 7/4, मतलब ये देखो 7/4, मतलब 7 को हम 4 से यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। देखो 4 1 4, 1 यहाँ पे 3 रहेगा, रिमाइंडर 3 आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे और इसको जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 0 लिए इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। आप ये बात याद रख लो, जब भी हम 0 ले लेते हैं तब क्या करेंगे, ऊपर आपको पॉइंट देना पड़ता है। अभी देखो 4 7s are 28, तो यहाँ पे 7 होगा एंड यहाँ पे रिमाइंडर देखो 2। अगेन हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ पे। 4 5s are 20, तो यहाँ पे फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो इस वाले डेसिमल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब यहाँ पे जिसका आंसर 0 आता है, जिसका रिमाइंडर 0 आता है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब ये यहाँ पे पूरा प्रोसेस एंड हो चुका है, रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, इसीलिए हम इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अभी नेक्स्ट और एक नंबर देखो, 5/6 इक्वल टू, ठीक है। अभी देखो 6 से हमें क्या करना है, 5 को यहाँ पे डिवाइड करना है। यहाँ पे छोटा नंबर है, छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 0 लिखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा। और जब भी हम यहाँ पे 0 लिखेंगे आपको ऊपर क्या करना है, 0 पॉइंट आपको देना ही है, ठीक है। अभी देखो 6 8s are 48, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे 8, अगेन हम 0 ले लेंगे यहाँ पे। और अभी देखो 6 3s are 18, तो यहाँ पे 18 रिमाइंडर आपका हो गया 2, अगेन हम 0 ले लेंगे। 6 3s are 18, यहाँ पे अगेन रिमाइंडर 2, ठीक है। तो सेम ही ये प्रोसेस चल रहा है, अभी अगेन हम 0 ले लेंगे, बाद में 18, मतलब ऊपर क्या आ रहा है, सिर्फ 0.8333, ऐसे कंटिन्यू 33 आ जाएगा, है ना, कहीं पे भी ये खत्म नहीं होगा। मतलब हमारा रिमाइंडर कितना भी आप इसको डिवाइड करो, 0 आने वाला है नहीं। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, देखो 0.833 इसी को हम कैसे लिखेंगे, जो नंबर ऐसे रिपीट हो रहा है ना, जो नंबर ऐसे 333 देखो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0.8, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक डॉट दे देंगे, 0.83। ये होगा हमारा इस डिवीजन का आंसर, 0.83, ठीक है। अभी देखो प्रैक्टिस सेट में से एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अभी देखो 9/37, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो कैसे लिखेंगे, 9/37, यहाँ पे हमें 9 को 37 से डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे हम साइड में पहले क्या करेंगे, 37 का टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेबल इसका बना दिया है, अभी 37 से हम 9 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे छोटा नंबर है, छोटे नंबर को बड़े नंबर से जब भी हम डिवाइड करते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा वाला 0 हम यहाँ पे ले लेंगे। और जब भी हम यहाँ पे 0 लेंगे ऊपर क्या आएगा, 0 पॉइंट। अभी देखो 37 के टेबल में हमें 90 तो चाहिए या फिर 90 से कोई छोटा नंबर,
तो यहाँ पे देखो 74 है, तो यहाँ पे 37 2 74, और 90 माइनस 74 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, है ना। अगेन हम क्या करेंगे, जीरो एक ले लेंगे। अभी 37 के टेबल में 160 है क्या, नहीं है, उससे छोटा नंबर है 148, ठीक है। 37 4 जार मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ पे -148। अभी देखो 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1 एंड 1 माइनस 1 0। अभी जब तक नंबर रिपीट नहीं आ जाता या फिर जीरो नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन यहाँ पे जीरो दे देंगे। अभी देखो 120, तो 37 मल्टीप्लाई बाय 3, 111 यही लेना पड़ेगा हमें, -111, ठीक है। 10 माइनस 1 9, 1 माइनस 1 0 एंड 1 माइनस 1 0। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो ले लेंगे। अभी देखो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 74, है ना। यहाँ पे -74 एंड यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, 2, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो 90 और यहाँ पे भी 90, मतलब ये वाला पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, ये अगेन नीचे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे रिमाइंडर 16 आ गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 16 था, फिर हम जीरो ले लेंगे, 140 को माइनस करेंगे, मतलब ये 2 के आगे 4, इसके आगे यहाँ पे क्या आया है, 3, तो यहाँ पे भी 4 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 4 3, ये नंबर पूरा रिपीट होगा, 2 4 3 ये वाला नंबर रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल देखो, यहाँ पे मैं टेबल्स को रब कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ देयर विल बी रिपीटेशन, क्योंकि 90 यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या जाएगा हमारा, 9/37 = यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.243। यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 4 बाद में 3, ऐसे रिपीट हो जाएगा, 2 4 3 2 4 3 2 4 3, ऐसे बहुत आगे तक हम रिपीट कर सकते हैं। और कहीं पे भी कितना भी सॉल्व कर लो, 0 तो आने वाला है नहीं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है, इसीलिए 0 तो नहीं आएगा, सिर्फ ये रिपीट होते जाएगा। तो इसको ही कैसे लिखेंगे, देखो 0.243243 और ये कंटिन्यू होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट देंगे, इक्वल टू 0. जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार दे देंगे, ठीक है। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बार दे देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 18/42, ठीक है। अभी 18/42 हम डायरेक्ट 42 से भी 18 को डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखो 6 को कॉमन निकालेंगे, दोनों नंबर को 6 को कॉमन निकालेंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पे होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। तो यहाँ पे 6 को 6 कैंसिल हो जाएगा एंड 3/7 हमें मिलेगा, मतलब यहाँ पे अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, और इजी भी जाएगा क्योंकि नंबर यहाँ पे देखो छोटे हो गए, ठीक है। तो आंसर में देखो, ये भी आपको आंसर में लिखना पड़ेगा ये वाला पार्ट, तो डायरेक्ट आंसर में ऐसे लिखो, अभी 3/7। अभी यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर, इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे हम ले लेंगे, और जब भी हम जीरो ले लेते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, 0 हमें देना पड़ता है, ठीक है। अभी देखो 7 4 जार 28, यहाँ पे 7 का टेबल सबको आता है, साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 4 जार 28, यहाँ पे 2 रिमाइंडर होगा, यहाँ पे होगा 4, ठीक है, क्वेश्चन पे आएगा 4। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 रिमाइंडर है तो हम 0 यहाँ पे ले लेंगे। 7 2 जार 14, ठीक है, तो -14 एंड यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 6। अगेन 0 नहीं आया या फिर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है तो हम अगेन यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है। अभी देखो 7 8 जार 56, है ना, तो यहाँ पे ऊपर 8 लिखेंगे एंड यहाँ पे 56 आएगा, और 60 माइनस 56
यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा 4। रिमाइंडर 4 कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। अभी देखो 7 7 5 35 -35 रिमाइंडर 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन में 5 अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 दे देंगे एंड 7 7 49 तो यहाँ पे आ जाएगा -49 ऊपर आ जाएगा 7। देखो यहाँ पे कोई भी नंबर अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे। 50 -49 1 अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 दे देंगे। कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या? नो। देखो 7 1 7 रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 भी 3 देखो यहाँ पे एंड 0 यहाँ पे हमने ले लिया। अभी देखो यहाँ पे भी 30 यहाँ पे भी 30 मतलब यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नाउ देयर विल बी रिपीटेशन और यहाँ पे अभी हम स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि 30 के बाद सेम 28 हम लिखेंगे वही रिमाइंडर आएगा, सेम प्रोसेस नीचे नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 के बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 4 आ जाएगा। एक स्टेप यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, 7 4 28 यहाँ पे 4 आ गया तो 4 के बाद यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 2 के बाद यहाँ पे क्या है 8 है तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। सेम आगे आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा तो यहाँ पे -28। ठीक है, नाउ देयर विल बी रिपीटेशन। और इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 18 upon 42 equal to 0.4285 7 1 और अगेन ये वाली टर्म आगे पूरा कंटिन्यू होने वाला है मतलब 4 2 8 5 7 1 ... फाइनल आंसर देखो 0. हम एक ही बार पूरी टर्म को लिखेंगे 4 2 8 5 7 1 और इसके ऊपर हम जो नंबर रिपीट हो रहे उसके ऊपर हम क्या करेंगे बार दे देंगे तो फाइनल आंसर हमारा होगा 0.4285 7 1 एंड बार उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, 9 upon 14 सर में कैसे लिखेंगे हम, 9 divided by 14। ठीक है, 9 को 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, छोटा नंबर है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 दे देंगे। यहाँ पे 0 दिया इसलिए ऊपर 0 होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। 14 से हमें अभी डिवाइड करना है तो पहले यहाँ पे 14 का टेबल लिखूंगी मैं। देखो 14 के टेबल में 90 है क्या, या फिर इससे छोटा सा नंबर कौन सा है, 84 है ना, तो 14 6 are 84 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 एंड -84 90 -84 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 6 है ना। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 दे देंगे। अभी देखो 14 के टेबल में 60 तो चाहिए हमें या फिर 60 से कोई भी नंबर छोटा, तो 56 है यहाँ पे, 14 4 are 56 तो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे रिमाइंडर 60 -56 4। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम 0 दे देंगे, 14 2 are 28 ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे एंड 40 -28 यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, ऊपर एक 0, 120 है क्या 14 के टेबल में, नहीं है, बट 112 देखो 14 8 are 112 -112 यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी देखो रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है या फिर कोई भी नंबर रिपीट हुआ है क्या, नो, तो हम क्या करेंगे प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। अगेन यहाँ पे 0 दे देंगे, 14 5 are 70 तो यहाँ पे 5 -70 यहाँ पे देखो 80 -70 10 रिमाइंडर 10 आया। अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 दे देंगे। देखो नेक्स्ट 14 7 are 98
तो यहाँ पे -98 रिमाइंडर 2 आ जाएगा एंड 14 सेवन जार मतलब यहाँ पे 7, ठीक है। अभी 2 अगेन हम 0 दे देंगे, 14 वन जार 14, 20 -14 यहाँ पे आ जाएगा 6, अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 दे देंगे एंड 14 फोर जार 56, है ना। तो 60 -56 4 एंड यहाँ पे 15 फोर जार 56, मतलब देखो कोई नंबर रिपीट आ रहा है, यस यहाँ पे भी 60 है एंड यहाँ पे भी 60 है, मतलब यहाँ पे नंबर रिपीट हो जाएगा, है ना। और इसके आगे 60 के आगे जो जो हमने पूरा प्रोसेस किया है ये हम आगे आगे यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे देयर विल बी रिपीटेशन और फाइनली हम आंसर लिखेंगे 9/14 इक्वल टू 0.6428574, ठीक है। 4 यहाँ पे देखो सो ऑन लिखेंगे क्योंकि 4 से आगे 28571 रिपीट ही होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे दिया। और इसका हम फाइनली लिखेंगे 0.6428571 हो रहा है। 4 एंड 4 वाला पार्ट, उसके आगे वाला पार्ट रिपीट हो रहा है और जो पार्ट रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बार देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, -103/5। यहाँ पे माइनस दिया गया है तो थोड़ी देर के लिए हम इस माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 103/5 ये कंसीडर करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड -1/3/5, ठीक है, क्योंकि ये इजी जाएगा और बाद में जब भी आंसर हम फाइंड आउट करेंगे उसके आगे माइनस दे देंगे। 103/5, ठीक है, 103 को 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सिंपल वाला है ये। 5 2 10 तो -10 हो गया, यहाँ पे हो गया 0, ऊपर का देखो 3 हम नीचे लाएंगे तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे, इसलिए 0 एंड यहाँ पे 20 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है तो यहाँ पे हमने पॉइंट दिया और 1 0 एक्स्ट्रा का दे दिया, ठीक है। एंड 5 6 30, 5 6 30, 0 -0 0 एंड 3 -3 0, तो यहाँ पे देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -20/6, क्योंकि यहाँ पे हमें लेते समय पॉजिटिव नंबर लिया था बट उन्होंने हमें माइनस में दिया है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -103/5 = -26, ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, -11/13, ठीक है, 11 को हमें 13 से डिवाइड करना है इसलिए यहाँ पे देखो मैंने 13 का टेबल यहाँ पे लिख लिया है अभी, ठीक है, अभी 13 से 11 को हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे छोटा नंबर, यहाँ पे बड़ा नंबर, अगर ऐसा हमें दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, 1 0 यहाँ पे हम लिख लेते हैं और यहाँ पे 0 दिया इसलिए हम ऊपर क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, ठीक है। अभी 13 के टेबल में हम देखेंगे 110 है या फिर 110 से छोटा कोई नंबर है क्या, यस 104, तो 13 8 104, यहाँ पे 8 आएगा, रिमाइंडर देखो क्या बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता या फिर रिपीटेशन नंबर का नहीं आता तब तक हम ये सॉल्व करते जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे अगेन हम 0 दे देंगे, 13 के टेबल में 16 देखो नहीं है तो 52 को हम ले सकते हैं, 13 4 जार 52, 4 यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा एंड यहाँ पे रिमाइंडर में आ जाएगा 8, ठीक है। अभी नेक्स्ट और 1 0 दे देंगे, अभी देखो 80 है क्या 13 के टेबल में, नहीं है तो 78 ए हम यहाँ पे ले सकते हैं, है ना, 13 6 जार 78, तो यहाँ पे ऊपर 6 आएगा और यहाँ पे -78, रिमाइंडर देखो 80 -78 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 दे देंगे,
थर्टीन वंस आर 13, ठीक है, वन यहाँ पे माइनस 13, 20 में से 13 चला गया, क्या रहेगा 7, अगेन हम एक जीरो दे देंगे। देखो 13 फाइव आर 65, माइनस 65 यानी ऊपर 5 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, दोनों में से एक होना ही चाहिए। अभी देखो यहाँ पे अगेन हम जीरो दे देंगे, 13 थ्री आर 39, ठीक है, तो यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अभी देखो अगेन हम यहाँ पे जीरो दे दें, मतलब यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका ही हम आंसर कैसे लिखेंगे अभी, देयरफोर माइनस 11 अपॉन 13 इक्वल टू माइनस 0.846153, और 8 से यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बार दे देंगे, ठीक है, इसके ऊपर एक बार दे देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे देयर विल बी रिपीटेशन 110 के आगे। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।